तो ये है गाइस ESIC हॉस्पिटल। फ्लैशबैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपक हुडा, ए सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन PGIMS रोहतक। सो हाउ आर यू ऑल? सो टुडे यू कैन सी दैट आई एम इन अ बस एंड दिस इज द बस स्टैंड ऑफ रोहतक, ए क्वाइट नाइस बस स्टैंड। And it is 7 in the morning. I am going somewhere and I'll take you with me. Though you can see from the title that I'm going to Faridabad. So you can see in this COVID time, जो ये बस है बिल्कुल खाली थी लगभग, जिस हम दो ही थे। सो दिस इज़ सिला बाईपास। अभी सिला बाईपास पे पहुँच गए हैं। तो सिला बाईपास ऐसी चीज़, मतलब ऐसा चौक है रोहतक में जहाँ से सब चीज़ें पास में हैं, जैसे डी पार्क और बस स्टैंड हो गया, दिल्ली बाईपास हो गया। तो पहले जो ये बस है दिल्ली जानी थी, लेकिन ये दिल्ली तो दिल्ली बाईपास के थ्रू जाना था, लेकिन अभी वो रोड ख़राब है तो ये इस रोड से जा रहे हैं। तो पहले मैंने सोचा आकाश इंस्टीट्यूट कैसे दिखाऊं, लेकिन यहीं पे इसी रोड पे आकाश इंस्टीट्यूट है जिसमें मैंने पढ़ाई करी है 3 साल, 10th 11th 12th। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल है, आगे जाके बॉयज़ हॉस्टल है उस गली में। सो आई शो यू। तो दिस इज़ BM गर्ल हॉस्टल, और मतलब एक रोड क्रॉस करके ये नीचे जो है शटर है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, दिस इज़ आकाश इंस्टीट्यूट, और मेरा फ़ोटो भी होगा वहाँ पे, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। दिस इज़ दिल्ली बाईपास। तो गेट वैक्सीनेटेड बिफोर द नेक्स्ट वेव कम, ओके? तो अभी हम आ गए हैं, ये है बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन, और यहीं से हमें मेट्रो मिलती है। अगर फरीदाबाद जाना है, मतलब कहीं पर भी जाना है, मेट्रो यहीं पर है। तो अभी यहाँ से मेरे को दो मेट्रो चेंज करनी है। एक तो वो भी पहले मेरे को जाना पड़ेगा कृति नगर, और कृति नगर जाके वहाँ से मेरे को लेनी पड़ेगी मंडी हाउस की, एंड मंडी हाउस से मेरे को जाना होगा ओल्ड फरीदाबाद। तो टोकन इधर, टोकन तो मिल ही जा रहा है, पहले सोच रहा था कार्ड ही यूज़ लेना पड़ेगा पहले। तो अभी सब देख रहे हैं कि ये चलती मेट्रो की क्या वीडियो बना रहा है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे। वैसे बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल फॉलो हो रहा है, जितना ज़्यादा कोविड के लिए हॉस्पिटल में नहीं होता फॉलो, इतना यहाँ पे हो रहा है। सो हियर वी गो, आई होप सीट मिल जाए मेरे को, वैसे खाली पड़ी है, तो अभी देखते हैं। वैसे तो फरीदाबाद का बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन बस ये है कि अगर आपको सीट मिल जाए ना मेट्रो में, फिर तो मज़े हैं, आराम से बैठ के जाओ, लेकिन ये है कि हर उसमें मिल ना जाए। तो अभी देखते हैं कि कैसा क्या है। इसके बाद मेरे को मंडी हाउस की लेनी है, और ये लास्ट स्टेशन है इस मेट्रो में कृति नगर। तो अभी टाइम है तो मैं थोड़े बहुत गाने वाने सुन लूँगा, और आज संडे है, मतलब ये संडे को शूट किया था मैंने, तो संडे को इसलिए क्योंकि कोई क्लास वगैरह नहीं होती ऑनलाइन। तो अभी हम पहुँच गए हैं कृति नगर, और यहाँ से ये रास्ता में खुद भूल गया था कि कहाँ मिलता है। तो अभी यहाँ से हम लेंगे मंडी हाउस की। तो और ये अभी फिर से चलती हुई ट्रेन की मैंने वीडियो बनाई है। तो अभी येलो लाइन से हमें लेनी है मंडी हाउस के लिए, तो अभी फिर वहाँ पे मंडी हाउस से देखते हैं, बल्लभगढ़ की मिलती है तो ओके। सो लेट्स सी। और तब तक जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और हिट द बेल आइकन, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल कम ऑनलाइन, एंड yeah it will be nice. to I was listening to some songs, and there is one great app, I don't know how to pronounce it, it is Rezo or something, Rezo, REWSO, you should try it. To abhi hum pahunch gaye hain mandi house metro station pe, aur abhi dekhte hain kahan pe hai ballabgarh ke liye metro, kaun se platform pe hai. Though I have come here so many times,
लेकिन फिर भी तो दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन, सब खाली पड़ा है, कुछ ऐसा है नहीं आस पास, यहाँ खाने पीने का भी नहीं था कुछ खास। तो अभी ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि थर्ड प्लेटफॉर्म पे हमें मिलेगी बल्लभगढ़ या फिर राजा सिंह, जो भी है ये लिखा हुआ। तो बल्लभगढ़ के लिए वो नीचे वाले फ्लोर पे है, सो वी विल गो। तो अभी मिल गई थी हमें मेट्रो फॉर बल्लभगढ़ स्टेशन। में को ओल्ड फरीदाबाद पे उतरना है, रास्ते में है, लेकिन अब की बार सीट नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। और अभी की बार मैंने खुलते हुए मेट्रो की वीडियो बनाई है। तो अभी हम पहुंच गए हैं ओल्ड फरीदाबाद फाइनली। तो गाइस फाइनली फरीदाबाद आ ही गए, बहुत दूर है यार रोहतक से, वैसे आदत है मेरे को, लेकिन अभी एक साल बाद आया हूँ मैं लगभग, ये उन दोस्तों के लिए जिनके साथ मैं आता हूँ फरीदाबाद। कभी साथ आ जाया करो यार। तो अभी देखते हैं कि मिलती है ऑटो कहाँ की मिली, यहाँ की ऑटो बहुत बेकार है भाई, अभी जाके देखते क्या मिलता है क्या नहीं। ओके बाय बाय। आपके और डायरेक्ट मेरे को ESIC का ऑटो मिल गया, बाकी मैं 3 साल हो गए मुझे को आज तक नहीं मिला। तो ये है ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, सो दिस इज़ द स्पेशल प्लेस वेयर आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो अभी तो ये मतलब बाहर, तो अगर आप फरीदाबाद देखोगे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इतनी साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन इसका कैंपस बहुत मस्त है। और मैंने जब पहली बार ESIC में आया था तो ये लगा था कि यार मतलब मेरे को ESIC लेना है कभी मतलब आगे, तो मैं 11th में था जब मैं पहली बार ESIC आया। आप देख सकते हो इट हैज़ अ ग्रेट बिल्डिंग। तो ये उधर के दिस आई वॉज शूटिंग गार्ड देख रहा है ESIC मेडिकल कॉलेज इन ऑफ फरीदाबाद। तो मैंने ये लंबा रास्ता चुना है अंदर जाने के लिए, दिस इज़ एमरजेंसी एंड तो आगे है, इसके आगे OPD ब्लॉक है, सो दिस इज़ एमरजेंसी एंड दिस इज़ ESIC मेडिकल कॉलेज सी। तो बेस्ट तो मतलब बिल्डिंग के तौर पे देखे तो मैं बोलूँगा कि अगर हरियाणा का कोई कॉलेज है तो करनाल के बाद यही आता है बिल्डिंग के बाद, और बाकी कैंपस भी बहुत साफ़ है। और इधर मतलब थोड़ा सा ना इतना ज़्यादा वो नहीं है रेस्ट्रिक्शन जितना ज़्यादा PGI में है, और PGI का तो अपना पता नहीं क्या है। सो दिस इज़ OPD ब्लॉक और यहाँ पे मैं आया हूँ कई बार। तो गाइस ये है ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, बिल्डिंग बहुत मस्त है यार इसकी। ये OPD वाला है एंट्रेंस, मोस्ट प्रोबेबली पिछला इमरजेंसी का था एंड बहुत मस्त है। कभी अभी यहीं पे हूँ मैं 2-3 दिन, तो मैं तब दिखाऊंगा। बाकी मुझे उतरना ये वाले गेट से था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत करी, मैंने 100 मीटर ज़्यादा चला हूँ मैं। बिल्डिंग सच में बहुत मस्त है, PGI तो इसके सामने कुछ है नहीं, बाकी PGI भी अच्छा है अपना, ये इतना अच्छा कह नहीं सकते, मतलब है अच्छा वैसे, कॉलेज का नहीं पता मेरे को। बाकी PGI की जो रैंक थी वो इस बार कम गई थैंक्स टू जो आया था 40 लाख का बिल। तो जो मेरे दोस्त थे जिनको PGI चाहिए था उनको यहाँ लेना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे बोन है नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। तो ये अभी बना है, ये वाली इसकी पुरानी बिल्डिंग है, और जो पुरानी बिल्डिंग है इसको एक बार कोरोना वार्ड बनाया था मेरे हिसाब से, जितना मेरे को याद है, लिखा भी हुआ शायद यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। और ये अगर पहले ये ऐसा था, अभी ये पास पीछे ये बना था नया, और नया है बहुत शानदार यार। और ये क्वार्टर हैं, और यहीं पे मेरे दोस्तों को पहले रूम मिले थे, 5 सीटर रूम था वो, लेकिन रूम भी बहुत मस्त हैं, और यहाँ का वो भी बहुत वो है, हाँ मतलब साफ़ सुथरा। अगर आप फरीदाबाद में हो कैंपस में को सबसे अच्छा लगता है, बाहर तो बहुत वो है, इंडस्ट्रियल एरिया है ना ये, और ये क्रिकेट का वो है उधर, वो बास्केटबॉल का है, हमारे उधर भी है लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं। यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है, ये सबसे शानदार जगह है जो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये उंगली जहाँ पे सीढ़ी है, एंड दैट इज़ द कैंटीन जो
हमारे पीजीआई में नहीं है। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ, नर नारियों के साथ जाके कॉफ़ी वॉफी पी सकते हो। द रीज़न मैं वीडियो में बोला नहीं पूरे रास्ते, बिकॉज आई हैव दिस वायर्स, आई हैव दिस ब्रेसलेट्स, तो ठीक है। यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है बिल्डिंग्स में, हमारे उधर कुछ नहीं है। अरे फैन भी यहाँ पे, तो हाँ जी सा आ गया यार, बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब। यही होगा, मैं उसमें तो रूम भूल गया, रूम सारे एक जैसे यहाँ। तो ये है गाइस, ESIC हॉस्पिटल, पूरा तो नहीं दिख रहा यहाँ से। और ये वो जो मैंने बताया क्रिकेट का, ये बास्केटबॉल का, और ये पुराना ESIC हॉस्पिटल, मस्त है ये। और अगर कोई जूनियर या कोई दोस्त मिल गया इधर तो मैं रूम भी दिखाऊंगा यहाँ के कैसे हैं, बाई चांस किसी को भी लेना भी हो, कोई देख रहा हो, ठीक है। सो गाइस, हियर आई एम इन ESIC मेडिकल कॉलेज एंड आई केम हियर टू सी माई सिस्टर, शी वर्क्स हियर। सो आई विल स्टे हियर फॉर लाइक 3 to 4 days, सो इन बिटवीन आई विल शो यू सम क्लिप्स ऑफ ESIC मेडिकल कॉलेज। सो दैट्स इट। सो ये था हमारा ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग, पहला ब्लॉग था। सो आई होप यू लाइक दिस, और कभी टाइम मिला मेरे को या फिर मतलब ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा ESIC पूरा हॉस्पिटल, मतलब थोड़ा बहुत जितना मैं दिखा सकता हूँ, कैंटीन या हॉस्टल्स में दिखाऊंगा। सो टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।